नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं विटालिटी टी20 ब्लास्ट की क्वार्टर फाइनल फर्स्ट मुकाबला जो आज खेला जाएगा सर्रे वर्सेस ग्रहम के बीच में, उसको लेके हम डिटेल्स में देखेंगे परखेंगे फिर हम बात करेंगे अपनी फैंटेसी टीम को लेके। ध्यान रखिएगा, वेन्यू को लेके बात करें, मुकाबला खेला जाएगा कैनिंगटन ओवल लंदन में, और ये जो लंदन की विकेट होती है वो नॉर्मली बैटिंग फ्रेंडली विकेट मानी जाती है, तो आप यहाँ पे आराम से 170-175 के आसपास का टारगेट उम्मीद कर सकते हो। लेकिन सर्रे की जो टीम है ना, इनकी गेंदबाजी अटैक जबरदस्त है, क्योंकि इनके पास होंगे सैम करन 4 बेहतरीन ओवर, टॉम करन 4 बेहतरीन ओवर, उसके अलावा रिस टॉपले 4 बेहतरीन ओवर, डी वॉरल 4 बेहतरीन ओवर, और पांच में होंगे क्रिस जॉर्डन। मतलब इनके 20 ओवर पैक रहने वाले हैं। जैसे ही सामने लिफ्टी आएंगे, विल जैक्स भी आके एक आध ओवर डाल सकते हैं। गेंदबाजी बात कर लेंगे डरहम का, तो इनके बड़े बड़े प्लेयर नहीं खेल रहे हैं, चाहे वो यहाँ पे आपको एम्पोर्ट्स दिखे या फिर गेंदबाजी में अगर प्लस पॉइंट को लेकर बात कर लें तो नाथन सॉटर अवेलेबल है, बल्लेबाजी में सबसे बड़ी डेंट है इनकी, सबसे बेहतरीन फॉर्म में जो इनकी टीम से चल रहे थे नाम था डेविड वडिंगम, वो अभी श्रीलंका ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए के बीच में जो ओडीआई की मुकाबला डोमेस्टिक वाली खेली जा रही है वहां पे अवेलेबल है, वहां खेल रहे हैं। मतलब डरहम के लिए एक बहुत तगड़ी झटका ये रहने वाली है। और हमेशा की तरह इस वीडियो में भी फ्री गिव अवे 500 रुपीज का है। ध्यान रखिएगा, आप लोगों में से जो भी भाई का 2 बेस्ट कमेंट होगा इस वीडियो में, उन दोनों भाई को मिलने वाले हैं 250-250 रुपीज इच वन फोन पे के थ्रू। करना क्या है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देनी है, फिर आपको किसी अपने एक फ्रेंड से वीडियो को शेयर कर लेनी है, फिर आपको चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिए होगे, अगर नहीं किए हो तो टाइम निकाल के कर लीजिए। और एक बात को ध्यान रखिए, ये जो गिव अवे रिजल्ट है वो मैं हर एक संडे टू संडे बीच में जब भी मैं देखूंगा कि आज का डे थोड़ा सा फ्री शेड्यूल है तो मैं उस दिन रिजल्ट पूरे वीक का कर दूंगा, तो आपको उसके लेके निश्चिंत रहना है। मंथ में 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जब भी टाइम मिलेगा मैं पूरा रिजल्ट आपको एक साथ ही डिक्लेयर कर दूंगा। 500 रुपीज मान लो कि मैं एक वीडियो पे देता हूँ गिव अवे, दिन में मान लो मैं 2 वीडियो बनाता हूँ तो 1000 रुपीज हो गए, 3 वीडियो बनाऊंगा तो 1500 हो गए। ऐसे अगर आप मंथ में कैलकुलेट करोगे तो 40-45 हज़ार रुपीज की बिल्कुल फ्री की कमेंट गिव अवे होते हैं। अब अगर मान लो किसी भाई को ये होता है कि राजा भाई गिव अवे जो है 500 रुपीज वो देंगे कि नहीं देंगे, तो भाई अगर आप ये सोच रहे हो कि 40-45 हज़ार के लिए राजा भाई झूठ बोल देंगे तब तो कोई बात ही नहीं है। अदरवाइज 40-45 हज़ार रुपीज का गिव अवे मैंने तैयार की है कबड्डी से पहले। कबड्डी में आप लोगों के लिए कुछ बड़ा होने वाला है, अनोखा होने वाला है, जो आज तक अभी तक किसी ने ना किया हो। और बिल्कुल जो भी मैं गिव अवे लाता हूँ उसको मैं प्रूफ आपको टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ, तो आने वाले टाइम में भी कुछ स्पेशल जो मैं कबड्डी में करूँगा वो भी आपको टेलीग्राम पे प्रूफ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे वैसा वैसा नहीं कि कहा जाएगा कुछ और किया जाएगा कुछ, यहाँ जो कहा जाएगा वही किया जाएगा। अब यहाँ पे वेन्यू स्टैट्स को लेके बात कर लेंगे, मुकाबला खेला जाएगा कैनिंगटन ओवल लंदन में, जहाँ की एवरेज स्कोर 165-175 के बीच होती है, हाईएस्ट टोटल 252, लोएस्ट टोटल 44 की होती है। अब अगर हम बात कर लेंगे वेन्यू टी20 स्टैट्स को लेके, टोटल मैच खेला गया 73, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है 31, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है 40, टाई रहा है 2 मुकाबला। अगर हम बात करें टी20 स्कोरिंग पैटर्न को लेके, बिलो स्कोर 150 बने 25 टाइम्स, बिटवीन 150-169 बने 18 टाइम्स, बिटवीन 170-189 बने 9 टाइम्स, एबव 190 बने 21 टाइम्स। अब देखिए, अगर आपको किसी विकेट का एक्चुअल नेचर जानना हो तो वहां पे जो रिसेंट मुकाबले खेले गए उसको एक बार बारीकी से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, हेम्पशायर वर्सेस सर्रे सबसे लास्ट मुकाबला हुआ था, जिसमें सर्रे की टीम ने हेम्पशायर को फेंटी लगा दी थी 18/7/2024 को, जहाँ पे हेम्पशायर पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पे लगाती हैं 19.5 ओवर में 183 रन 10 विकेट नुकसान पे। सर्रे 19.1 ओवर में 188 रन लगाती हैं 5 विकेट नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग पेसर 6, स्पिनर 1, सेकेंड इनिंग पेसर 4, स्पिनर 1 विकेट। इससे पहले जाएंगे 13/7/2024 को, जहाँ पे वुमेन्स वाले मैच को मैं ज़्यादा इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली विकेट हो बॉलिंग फ्रेंडली विकेट हो स्पिनर गेम में आई जाती है। इससे पहले चलेंगे 7/7/2024 को, जहाँ पे 10 ओवर की मुकाबला हुआ था, रन बाधित फिर रन आ गई थी, जहाँ सर्रे पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर लगाती है 10 ओवर में 103 5 विकेट नुकसान पे। केंट लगाती हैं
8 ओवर में 81 रन 3 विकेट नुकसान पे, पेसर को मिला 4 स्पिनर 1, सेकेंड इनिंग पेसर 2 स्पिनर 1। अब देखिए मैं इस मैच को लेकर ज्यादा डिस्कस क्यों नहीं किया, क्योंकि न्यूजीलैंड ओमेन पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर लगाती है 20 ओवर में 103 रन 8 विकेट नुकसान पे, इंग्लैंड ओमेन लगाती है 11.3 ओवर में 104 रन 3 विकेट नुकसान पे। अब पेसर को देखिए मिला है 2 विकेट, स्पिनर को मिला है 8 विकेट, लेकिन इतना भी ज्यादा स्पिन फ्रेंडली विकेट लंदन की विकेट होती नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पेस वर्सेस स्पिन लास्ट के 10 T20 मैच जो यहाँ पे खेला गया है, पेसर्स को मिला है 73 विकेट और स्पिनर के खाते में गई है 31 विकेट। अब अगर मैं आपको ये डाटा बताता तो आप सोचते फुल्ली स्पिन फ्रेंडली विकेट होगा, स्पिनर को अपनी टीम में भर के चले जानी है। अब देखिए मुझे स्टैट्स तो सारे देने होते हैं, अगर मैं स्टैट्स ये ना देता, राजा भाई आपने तो लास्ट में जो यहाँ पे सेकेंड T20 मुकाबला खेला गया था मैंने कहा उसको यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया, तो स्टैट्स मिलेंगे भरपूर, लेकिन जो काम की बातें हैं उस पर आपको फोकस करना है। अब आइए हम फटाफट आगे बात कर लेते हैं, हेड टू हेड में जब दोनों टीम आमने सामने आई है तो क्या हुआ है। तो हेड टू हेड में यहाँ पे देखिए भाई साहब, ये स्कॉटलैंड आयरलैंड का ही यहाँ पे कप्तान का फोटो रह गया, तो इसको आप जो है कंसीडर कीजिएगा, स्कॉटलैंड आयरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड वाला ही यहाँ है सरे की टीम, जहाँ पे आप सोचिए है सैम करन और यहाँ पे आप सोच लीजिए है एलेक्स लीज। अब अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे डरहम के लास्ट 5 मैच लॉस विन रहा है, वहीं अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे सर्रे के लास्ट 5 मैच लॉस विन करके ये टीम आ रही है। अब हेड टू हेड को लेके बात करें, दोनों टीम आमने सामने अभी तक जो है सर्रे और डरहम नहीं आई है, तो आपको यहाँ भी हेड टू हेड के ऊपर फोकस नहीं करनी है, मैंने इस सीजन को कंसिडर किया, लास्ट सीजन वाले यहाँ पे नहीं दिखाया है। अब आइए हम फटाफट बात करते हैं दोनों टीम अपना लास्ट मुकाबला में कैसे क्या प्रदर्शन करके आ रही है। तो डरहम का लास्ट मुकाबला हुआ था डर्बीशायर के साथ, जहां पे डरहम ने 8 विकेट से फेंडी लगा दिए थे डर्बीशायर को। यहां पे पहला नाम आएगा ग्रेहम क्लार्क का, जिन्होंने 13 किए थे, एलेक्स लीज 72। ध्यान रखिएगा एलेक्स लीज वैसे T20 के बेहतरीन प्लेयर नहीं है, बट मैंने देखा है इस टूर्नामेंट में रह रहे के 40 बॉल में 50 रन, 50 बॉल में 60 रन का स्कोर कर देते हैं। बैटिंग में अवेलेबल नहीं है, अकरमन 54 किए थे, महज 30 बॉल में 5 चौका और 3 छक्का। गेंदबाजी की बात कर लेंगे, कलम परकिसन 4 में 33 रन 2 विकेट, यहाँ पर जो है पॉल अवेलेबल नहीं है, एम्पोर्ट्स अवेलेबल नहीं है, शॉर्टर 4 में 18 रन 2 विकेट, और इस सीजन तो बेन रेन की जबरदस्त फॉर्म है, 4 ओवर 19 रन 2 विकेट। अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे सर्रे का, तो सर्रे अपना लास्ट मुकाबला जो है केंट के अगेंस्ट हार के आ रही है, जहाँ पे विल जैक्स किए थे 20, डोमिनिक सिविल 18, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे रॉडी वंस विकेट कीपिंग किए थे 21, लॉरेंस अवेलेबल नहीं है, सैम करन 24, एलिवेंस 4, इसमें हो सकता है कि एलिवेंस आपके लिए एक त्रुप के एक साबित हो जाए, जे ओवरटन 2, जॉर्डन 6, सी स्टील किए थे 3 रन। गेंदबाजी से बात कर लेंगे, विल जैक्स 3 में 24 रन 0 विकेट, ध्यान रखिएगा जब सामने लिफ्टी भरे पड़े होंगे तभी विल जैक्स गेंदबाजी करेंगे, और सामने कितने लिफ्टी हैं टॉप 7 में या फिर टॉप 6 में वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। फिर यहाँ पे अगर एम डून को लेके बात कर लेंगे, ये भी नहीं खेलेंगे, टॉम लॉज भी शायद स्क्वाड में तो है लेकिन नहीं खेलेंगे, स्टील भी स्क्वाड में है लेकिन चांसेस शायद ना मिले, लॉरेंस स्क्वाड में नहीं है, जॉर्डन 3 ओवर 35 रन 0 विकेट। सारे की गेंदबाजी यूनिट में मैंने क्यों कहा कि इन सब के खेलने के चांसेस बहुत ही कम है और लॉरेंस तो स्क्वाड में ही नहीं है, रीजन इनके जो स्टार प्लेयर हैं टॉम करन, क्रिस जॉर्डन, डी वोरल, रिस टॉपले सभी के सभी आ चुके हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अभी क्वार्टर फाइनल चाल खेला जाएगा विटालिटी T20 ब्लास्ट की, 2 खेला जाएगा सेमीफाइनल और उसी दिन खेला जाएगा फाइनल, मतलब 7 मुकाबले विटालिटी T20 ब्लास्ट 2024 की बाकी है, जिसमें से आराम से हम लोगों को 5 मुकाबले में क्लीन स्वीप करनी है। अब यहाँ पे आइए हम बात कर लेते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर सर्रे का क्या रहने वाला है, तो ये आपके सामने है, जहाँ पे ओपन करेंगे विल जैक्स के साथ डोमिनिक सिवले, फिर यहाँ पे आपको दिख जाएंगे रॉरी वंस विकेट कीपर बल्लेबाज, देन आफ्टर सैम करन, एल इवेंस, जे ओवरटन, टॉम करन, जॉर्डन क्लार्क, क्रिस जॉर्डन, रिस टॉपले और डी वोरल। गेंदबाजी में वोरल का 4, टॉपले का 4, जॉर्डन का 4, टॉम करन का 4 और यहाँ पे सैम करन का 4, ऐसा 20 ओवर होना चाहिए, लेकिन जरूरत पड़ने पे 1 से 2 ओवर यहाँ पे जॉर्डन क्लार्क और 1 से 2 ओवर यहाँ पे विल जैक्स भी आके डाल सकते हैं, विल जैक्स का जबरदस्त फॉर्म भी है, बाकी जरूरत पड़ने पर तो जे ओवरटन भी डाल सकते हैं, बट चांसेस इनके थोड़े से कम है। अब आइए हम प्लेयर स्टैट्स को लेकर बात कर लेते हैं,
विल जैक्स एक्टिवेट नहीं खेले वेन्यू पे 25 मैच में, जबरदस्त 729 रन 5 विकेट, रिसेंटली 37 रन 1 विकेट, 30 रन 1 विकेट, 2 रन 1 विकेट, 6 रन 1 विकेट, 41 रन 1 विकेट। फिर आपको दिख जाएंगी डोमिनिक सिवले, इनका देखिएगा हेक्टूएड एक मैच 33 रन 33 का एवरेज है। और ध्यान रखिएगा ये टीम आमने सामने भले ही ना आई हो लेकिन इनकी जो प्लेयर है वो किसी दूसरे टीम से खेल रहे थे तब इस टीम के आमने सामने आए थे। अगर हम बात कर लेंगे रिसेंटली 18-27 12-3-20 किए हैं। और रिसेंटली देखिएगा विल जैक्स का जबरदस्त है 37 रन 1 विकेट, 30 रन 1 विकेट, 2 रन 1 विकेट, 6 रन 1 विकेट, 41 रन 1 विकेट। रॉडी बर्न्स वेन्यू पे 5 मैच में महज 62 रन 12 का एवरेज, टेस्ट के अच्छे प्लेयर हैं, टी ट्वेंटी में बिलो एवरेज प्लेयर हैं। रिसेंटली 21-7-3-62-11 अगर फिर से विकेट कीपिंग करते हैं तो आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक ये हो सकते हैं। अगर हम बात करें इनके बाद आपको दिख जाएंगे सैम करन, हेड टू हेड देखिएगा नहीं खेले हैं, वेन्यू पे 17 मैच में 358 रन 18 विकेट है, रिसेंटली 25 एक विकेट 3 विकेट, 35 रन 2 विकेट, 68 रन 2 विकेट। एल इवेंस हेड टू हेड एक मैच में 63 रन, वेन्यू पे 18 मैच में 330 रन 18 का एवरेज है, बैटिंग फर्स्ट में एज ए ट्रम्प कार्ड आप इनको जरूर ट्राई कीजिएगा। रिसेंटली 16-14 डू नॉट बैट 2-4 जे ओवरटन, वेन्यू पे 17 मैच में 207 रन 2 विकेट, रिसेंटली 3-21-1-14-7। फिर आपको दिख जाएंगे टॉम करन, वेन्यू पे 14 मैच में 143 रन 12 विकेट, रिसेंटली 24 2 विकेट, 4 विकेट, 4-3। गेंदबाजी बिल्कुल फिट है और ये गेंदबाजी अच्छा खासा ओवर डालने वाले हैं। रिसेंटली इन्होंने जो है 100 में जम के ओवर डाला था और इनकी टीम चैंपियन भी बनी थी। जॉर्डन क्लार्क हेड टू हेड एक मैच 3 रन 0 विकेट, वेन्यू पे 17 मैच में 275 रन 7 विकेट, रिसेंटली 7-0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। मैंने देखा है जब सरे के पास 5 मेन बॉलर होती हैं तो अमूमन ये कभी डालेंगे एक ओवर और 90% टाइम में एक भी ओवर नहीं डालते हैं। फिर दिखेंगे जॉर्डन हेड टू हेड एक मैच में 1 विकेट, वेन्यू पे 12 मैच में 10 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट। यहां आप सैम करन को कैप्टन और जॉर्डन को वीसी या फिर इसकी टेकर जॉर्डन को कैप्टन भी दे सकते हो। रीजन विकेट टेकर गेंदबाज है प्लस रह के 20-25 बल्लेबाजी में भी कर देते हैं। इस टॉपले को लेकर बात करें वेन्यू पे 6 मैच में 7 विकेट, रिसेंटली 2 विकेट, डू नॉट बैट 0 विकेट 0 विकेट और 2 विकेट। डी वोरल हेड टू हेड एक मैच में 2 विकेट, वेन्यू पे 5 मैच में 6 विकेट, रिसेंटली 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट। ये ऐसे गेंदबाज है ना शुरू के 2 ओवर में अगर इनका दिन अच्छा रहा तो ये 2-3 विकेट भी लेके जा सकते हैं। इनको नए बॉल से खेलना बेहद ही मुश्किल होता है तो अगर आप इनको ले रहे हो तो सामने वाली टीम के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को कतई मत लेना। लेकिन दिक्कतें हैं डी वर्ल्ड के साथ ये कि इनका कई दफा ओवर कट जाता है। अगर हम बात करेंगे सरे की स्टार्टिंग ओवर आपको दिखेंगे रिस्टॉपले डी वर्ल्ड, डेथ में आपको यहाँ पे डी वर्ल्ड नहीं दिखेंगे, डेथ में दिखेंगे सैम करन। फिर आपको दिख जाएंगे यहाँ पे रिस्टॉपले, इनके भी चांसेस थोड़े कम होते हैं डेथ में, सैम करन, टॉम करन और क्रिस जॉर्डन। बेंच पे बात करेंगे आपको दिख जाएंगे सी एस स्टील, टॉम लॉज, इन दोनों का स्टेट्स देख लीजिएगा, चांसेस भी अधिक कम है बट अगर खेल जाती है तो आप इनका स्टेट्स देख के चाहो तो बैक करके चल सकते हो। अब आइए हम फटाफट बात करते हैं डरहम की पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाली है। ओपनर दिखेंगी ग्रेहम क्लार्क, उनके साथ दिख जाएंगे आपको एलेक्स लीज, फिर बिडिलिटी जबरदस्त प्लेयर मिनी जीएल जीएल में सीबीसी दे सकते हो, ऐसा भी हो सकता है रॉबिन्सन आज है वन डाउन और लीडी चले जाए नीचे। फिर आपको दिखेंगे अकरमन, टर्नर, माइकल जोन्स, बी रेन, बी कार्स, नथन सॉटर और कलम पर्किसन। गेंदबाजी में पर्किसन 4, सॉटर 4 और ब्रेंडन कार्स अगर खेल जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो है एक कुछ एंटी डोपिंग टेस्ट वगैरह का कुछ आरोप भी लगा था तो वो सिद्ध हो गया था कि नहीं मुझे एग्जैक्ट न्यूज नहीं है, अगर ये खेलते हैं तो आपके लिए जबरदस्त पिक हो जाएंगे, 3-4 ओवर गेंदबाजी भी करेंगे। फिर ये बी रेन का 4 ओवर, ये तकरीबन चारों मिलकर डालेंगे 15-16 ओवर, बाकी के ओवर जाएंगे पहले बीटी लिटी खाते में, ये भी 3-4 डालेंगे और जरूरत पड़ी तो सामने वाले टीम में लेफ्टी ठीक ठाक है तो वहां पे कलन जो है अकरमन ये आके गेंदबाजी कर सकते हैं। यहां देखिएगा एलेक्स लीज एक लेफ्टी है, फिर आप देखोगे तो आपको लेफ्टी दिखेगा ही नहीं, मतलब विल जैक्स के यहां पे स्पेल होने के चांसेस मुझे थोड़े से कम दिख रहे हैं। अगर आएंगे भी तो लीज अगर टिके रहते हैं एक साइड से तो ही आएंगे, अदरवाइज वो नहीं आएंगे। अब अगर प्लेयर स्टैट्स को लेकर बात कर लें, ग्रेहम क्लार्क रिसेंटली 26-1-33-0-27, एलेक्स लीज रिसेंटली 72-1-29-2-0, बीडीलिटी रिसेंटली 1 विकेट 3 रन 1 विकेट 3-22 रन 2 विकेट और 28। बॉलिंग फर्स्ट में सी वी सी इनको दे सकते हो। कलम अकरमन रिसेंटली 54-25-20 रन 1 विकेट, लेफ्टी अच्छे खासे हैं तो भाई जरूर इनको बैक करना,
और रॉबिनसन हेड टू हेड 2 मैच में 0 का एवरेज है। वेन्यू पे कुछ भी खास नहीं है, मतलब बेरा गर्क है रिसेंटली 2-21-4-0-41। एस्टन टर्नर रिसेंटली डू नॉट बैट 36-44-16-19। माइकल जोन्स रिसेंटली 7-14, इनके ऊपर ध्यान भी मत देना, मिनी जीएल जीएल में भी नहीं। बीरेन हेड टू हेड देखिएगा, नहीं खेले हैं रिसेंटली 2 विकेट 5-23 रन की विकेट 33-20 रन 2 विकेट। वेंडन कार्स रिसेंटली 0 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट और 1 विकेट। नथन शॉर्टर जबरदस्त हेड टू हेड है, 4 मैच में 8 विकेट। वेन्यू पे 2 मैच में 4 विकेट रिसेंटली 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट। कलन पर्किसन रिसेंटली 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट और 3 विकेट। स्टार्टिंग ओवर्स को लेकर बात करेंगे आपको दिख जाएंगे पर्किसन। वेंडन कार्स डेथ को लेकर बात करें आपको दिख जाएंगे वेंडन कार्स और यहाँ पे कलन पर्किसन नहीं दिखेंगे, इनके साथ आपको डेथ में गेंदबाजी करते दिख जाएंगे। मैं यहाँ से एक बार रिपीट कर देता हूँ कौन, इनके साथ आपको दिख जाएंगे बीरेन और आपको दिख सकते हैं यहाँ पे बीरेन ही दिखेंगे, उनके अलावा कोई और नहीं दिखेंगे। बाकी बेंच पे दिखेंगे जॉर्ज और बेन। अब भाई हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेके, ध्यान रखिएगा इस मैच में जो है मैं जीएल मिनी जीएल आपको रिकमेंड करूंगा अधिक से अधिक प्ले करने का, क्योंकि मुझे लग रहा है भाई इस मैच में ग्रैंड लीग जीतना आसान होगा। विकेट के पीछे मैंने रॉबिनसन को लिए, बैटिंग से ग्रैम क्लार्क अगर मुझे एलिवेंस टॉप 4 में दिखते हैं मैं भी इनको ट्राई कर लूं। सरे की बैटिंग फर्स्ट है तो मैं भी वहां पे उनको ट्राई कर लूं। ऑलराउंडर से जॉर्डन बीरेन सैम करन बीडिलिटी विल जैक्स को मैंने लिए। बॉलिंग से रिस टॉपले टॉम करन शॉर्टर और कलन पर्किसन को मैंने अपनी टीम में जगह दी है। ध्यान रखिएगा सरे की बल्लेबाजी यूनिट ऑन पेपर काफी कमजोर है, क्योंकि इनको इनका जो बल्लेबाजी अटैक है ना उसमें ये टीम डिपेंड करेंगी इवांस के ऊपर, वो एक ठीक ठाक बल्लेबाज है। सैम करन के ऊपर ये भी ठीक ठाक कर लेते हैं, बाकी टॉम करन जॉर्डन इनकी कोई विश्वास नहीं है। और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज डोमिनिक सिबले रॉडी वंस अगर ये चल गए ना डोमिनिक सिबले रॉडी वंस तो भाई सर्रे हार जाएंगे मैच को, क्योंकि अगर वो 50 लगाएंगे तो खेल जाएंगे 45 बॉल और वो इस विकेट पे नहीं चाहिए। बाकी फिलहाल मैंने कैप्टनसी के भार सौंप दिए सैम करन को, ये हमेशा कैप्टन होंगे ही मेरे, और टॉम करन हमारे वीसी होंगे। इनके अलावा वीसी जॉर्डन विल जैक्स विडिलिटी और रिस्क टेकर बी रेन को भी देखे जा सकते हो। बाकी रिपीट कर दो, टॉस के बाद प्लेइंग 11 आने के बाद एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट आने के बाद अगर हमारी टीम में कुछ भी फेरबदल होती हैं उसका अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वहां पे जाने के बाद सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिलेगा हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और फटाफट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके रख लीजिए। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी जीएल जीएल स्पेशली इस मैच में जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।